सब्सक्राइब कीजिए इंडियन फूड एंड ब्यूटी चैनल को और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। रेड कलर के बटन पे क्लिक कर लें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप नए वीडियो के साथ अपडेट होते रहो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूड एंड ब्यूटी और मेरा नाम है अंजलि। तो फ्रेंड्स, आज हम सोयाबीन जो वड़ियाँ होती हैं सोया चंक्स, उसके न्यूट्रेला भी कहते हैं, तो उसका चूरा यानी कि सोयाबीन कीमा, उसकी हम सब्जी बनाने जा रहे हैं। जो कि आप देख सकते हैं सोया वड़ियाँ होती हैं, जो सोया ग्रैनुअल्स, उसका हम चूरे की सब्जी, चूरा आता है उसकी हम सब्जी बनाने जा रहे हैं। बहुत ही फेमस है फ्रेंड, बहुत ही जल्दी बन जाता है और जब भी आपको कोई सब्जी ना हो तो आप इजी वे में फटाफट से ये जो है सब्जी बना सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है इसे बनाना। तो इसको मैंने थोड़ी देर भिगो के रख दिया, पानी के अंदर डाल के रख दिया और 5-10 मिनट तक पड़ा रहा, और रखने के बाद ये थोड़े फूल गए। और यहाँ पे मैंने कुछ रेडी कर रखे हैं सामान, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने प्याज चॉप करके रखे हुए हैं, टमाटर चॉप करके रखे हुए हैं और अदरक और लहसुन को ग्रेटेड करके रखा हुआ है, और दो मीडियम प्याज हैं, दो मीडियम टमाटर हैं, और ये मैंने दो गाजर कट करी हुई हैं और शिमला मिर्च कट की हुई है, और हरी मिर्ची आप अपने अनुसार ले सकते हैं, आपको तीखा कम जैसा भी लगे वैसा आप ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कम तीखा खाते हैं तो आप कम लें। यहाँ पे गार्लिक ग्रेटेड किया हुआ है, अदरक ग्रेटेड किया हुआ है, दही की हम योगर्ट यानी दही, हम 2 चम्मच दही लेंगे और हरे मटर लिए मैंने, और सब्जी आपको जो पसंद हो वो आप अपने अकॉर्डिंग सब्जी ले सकते हैं साथ में इसमें। और ये वैसे तो वेज है बट इसे जो है इसे खा के नॉन जैसे आमलेट जैसे आलू जैसे एग भुजिया होती है वैसा फ्लेवर लगता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन है ये वेज, लेकिन जब करते हैं तो उसका कुछ ऐसा ही टेस्ट आता है। तो सिंपल सी रेसिपी है ये फ्रेंड, बहुत ही ईजी है बनाना इसे, और बैचलर्स हों या कोई भी हों तो बहुत ही जल्दी से आप इजी वे में बना सकते हैं ये सब्जी, और ब्रेकफास्ट लंच टाइम डिनर टाइम किसी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल डाल के जीरा और अदरक और लहसुन ग्रेटेड जो किया था उसको मैंने फ्राई कर लिया, अच्छे से सौते कर लिया, और उसके बाद मैं प्याज ट्रांसपेरेंट लाने तक भूनूंगी इसको, ब्राउनिश कलर नहीं करना हमने ओनियन का, क्रंचीनेस बरकरार रहे क्योंकि जो है अंडे भुजी टाइप लगेगा खाने में ये, इसलिए हमने प्याज को क्रंचीनेस रखना है, बट है ये वेज सब्जी। और इसी तरीके से जो है हम इसके अंदर टमाटो ऐड कर देंगे, रफली चॉप किए हैं टमाटो ये, और आप चाहें तो इस टमाटो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं, टमाटो की पेस्ट भी बना लें मिक्सी में और वो ऐड कर सकते हैं आप इसकी जगह, तो वो भी बहुत अच्छा ग्रेवी टेस्ट देगा, बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स ये। और इसमें तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, छोटी इलायची और लौंग डाल के भी आप छौंक लगा सकते हैं, और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को डाला है। और अब मसाले की बारी है, मसाले मैंने धनिया पाउडर ऐड करा है, हल्दी पाउडर ऐड किया है, और ये सब लोग ये जो है एक चौथाई आधा चम्मच ऐसे लिए गए हैं, और नमक स्वाद अनुसार है, और साथ ही साथ मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया, और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और सौते करने के बाद मैं इसके अंदर जो है दही 2 चम्मच ऐड करूँगी। योगर्ट ऐड करने से ये जो है फ्लेवर में बहुत चेंज आ जाएगा और एक अच्छा स्वाद आएगा सब्जी का, आप ज़रूर ट्राई करें इस छोटी छोटी टिप्स को। और आप अगर दही स्किप करना चाहते हो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गाजर और हरे मटर डाल दिए हैं और शिमला मिर्च ऐड कर दी है, इनको मैंने प्याज और टमाटर के फ्राई करते टाइम इसलिए नहीं डाला क्योंकि जो है मध्य जाते क्रंचीनेस बरकरार नहीं रहता, इसलिए मैंने बाद में लास्ट में ऐड किया ताकि क्रंचीनेस भी बरकरार रहे और ये गल भी जाएँ, और गलाना भी है इनको, क्रंचीनेस भी बरकरार है, ठीक ठीक होना चाहिए और हर एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए सब्ज़ी के अंदर, तभी बहुत सब्ज़ी निखर के स्वाद आता है उसका। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ ताकि शिमला मिर्च जो है जल्दी से मधे नहीं, ख़राब ना हो। उसके बाद जो है मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक दूँगी ताकि जो है हरे मटर हमारे गल जाएँ, हरे मटर में कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए थोड़ा सा, और हल्का सा मीठा मीठापन सा स्वाद आए, वो बहुत अच्छा लगता है हरे मटर का,
और सर्दियां हैं तो विंटर में सबसे ज़्यादा सब्जियां आती हैं, हरी भरी सब्जियां, और खूब सारी जो है सब्जियां आप बच्चों को खिलाएं, बहुत ही हेल्दी वे में रहता है। और ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है सब्जी के अंदर, पूरे बहुत भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट वैल्यू है सब्जी के अंदर। आप ज़रूर इस सब्जी को बनाएं, बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत स्वाद है और हेल्दी वे में भी बहुत अच्छी है। और इस तरीके से हम इसे वापस से ढक देंगे एक मिनट के लिए और इसे वापस से चेक कर लेंगे। वापस हम चेक कर लेंगे कि हमारे हरे मटर जो हैं गले नहीं गले। देखिए आप हरे मटर को आप प्रेस करके देख लें, अगर कटते हैं तो इसका मतलब, अगर ग्रीन पीस जो हैं कटते हैं प्रेस करने पर तो इसका मतलब गल चुके हैं। आप इस तरह से चेक कर लें और देखिए आप। और हम साथ ही साथ ढकने से ये है कि इसका पानी भी सूख गया, जो भी गीलापन था वो सारा सूख गया। आप देख सकते हमें इसे खिला खिला बनाना है, सूखा बनाना है। हमने इसमें गर्म मसाला भी ऐड कर दिया फ्रेंड्स। सब पहले आप इसका पानी सुखा लें अच्छे से, बिल्कुल सब्जी का पानी जो है थोड़ा थोड़ा वो सारी सब्जी में पानी अच्छे से सूख जाए। उसके बाद हमने इसमें गर्म मसाला और धनिया, फ्रेश धनिया कोरिएंडर लीव्स को चॉप करके डाल दिया। सर्व कर सकते हैं अब, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और अब हम इसे एक मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि गरम मसाले और हरे धनिया की खुशबू जो है इस सब्जी में अच्छे से आ जाए। तो आप देख सकते हैं सोया कीमा यानी कि हमारा सोयाबीन बड़ियों का चूरे की सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है। सोयाबीन कीमा भी इसे कहा जाता है। तो बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी बनी है फ्रेंड्स। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस तरह से आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन करें ताकि जो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप नए वीडियो के साथ अपडेट होते रहो। तो इस तरह से मुझे जो है कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपको कोई रिक्वेस्ट वीडियो हो तो ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, सी यू सून द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।